हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप अपने डिवाइस में दोस्तों टॉकबैक को इनेबल करोगे और टॉकबैक को यूज़ करोगे। दोस्तों अपने अपना टॉकबैक सेटिंग को यूज़ करना चाहते हो दोस्तों, टॉकबैक सेटिंग कैसे यूज़ कर सकते हो, टॉकबैक कैसे सेटअप कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपको उसमें फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल में स्क्रॉल डाउन करने का दोस्तों आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आ रहा होगा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का, या फिर दोस्तों आपके फ़ोन में ऑप्शन आ रहा होगा एडिशनल सेटिंग का, तो आपको उसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन दिख जाता है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन करते हो अपने किसी भी फ़ोन में, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे तो आ रहा है पहले सेलेक्ट टू स्पीक आपके फ़ोन में ऊपर आ रहा होगा, सेलेक्ट टू स्पीक या मैग्निफिकेशन शॉर्टकट सेटिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन में, फिर आपको टॉकबैक भी ऊपर या नीचे की साइड आपको दिख जाएगा। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में यहाँ पे टॉकबैक पे क्लिक कर देना है। टॉकबैक पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे राइट साइड टैप करके इनेबल कर सकते हो। दोस्तों इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे अलाउ का एक नोटिफिकेशन आता है, तो अलाउ करना पड़ेगा, आपके फ़ोन में टॉकबैक इनेबल हो चुका है। अब दोस्तों आप किसी भी आइकन पर टैप करते हो, जिसके उसमें आप वन टैप करके डबल टैप करेंगे तब भी यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बैक करना चाहते हो डबल टैप करो, बैक बटन को यूज़ कर पाओगे। और दोस्तों होम बटन पर डबल टैप करो, होम बटन सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों रीसेंट टैप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डबल टैप करके टू फिंगर से रीसेंट टैप को क्लोज कर सकते हो, वन फिंगर से नहीं कर सकते दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे साउंड आ रहा है टॉकबैक की वजह से, और दोस्तों ये टॉकबैक सेटिंग ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं, जो देख नहीं पाते वो इसको साउंड से ऑपरेट करते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मैं टू फिंगर से स्वाइप करूँगा तो ही कर सकता हूँ, वन से नहीं कर सकता। टू फिंगर से स्वाइप करेंगे आप दोस्तों देख सकते हो, अगर वो YouTube ऐप चलाते हैं, फ़ोन सेटिंग ऐप चलाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन वो ओपन करते हो दोस्तों साउंड से सुन के करते हैं। इसके दोस्तों आप देखते हो YouTube, इस पर डबल टैप करेंगे तो YouTube ऐप ओपन हो जाता है ऐसे, और YouTube ऐप को क्लोज करने के लिए वन टैप कर लोगे यहाँ पे, डबल टैप करोगे, वन टैप करके डबल टैप, उसके बाद टू फिंगर से रीसेंट ऐप क्लोज। तो दोस्तों इस तरह से टॉकबैक सेटिंग को वो लोग यूज़ करते हैं साउंड से। दोस्तों यहाँ पर हम फ़ोन की सेटिंग पर वापस से टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे। दोस्तों अगर मैं किसी भी सेटिंग पे क्लिक करूँगा नेटवर्क एंड इंटरनेट ऐसे डबल टैप करके ओपन कर सकता हूँ। तो दोस्तों टॉकबैक को ऑफ करने के लिए, स्टॉप करने के लिए आपको फिर से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना पड़ेगा, यहाँ डबल टैप करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको अपने फोन में टॉकबैक पे क्लिक करना है, डबल टैप करना है, यूज टॉकबैक पे, डबल टैप, स्टॉप बटन, टॉकबैक ऑफ हो जाता है आपके फ़ोन में। अब दोस्तों अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो बिना टॉकबैक के। दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम दोस्तों टॉकबैक सेटिंग को लेके, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को लेके आप कमेंट करके पूछ सकते हो।